पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड तुरकोलिया के सेमरा बेलबतिया गांव में पत्नी ने प्रेमी के कहने पर पति को मौत के घाट उतार दिया। महज 3 वर्ष पहले मृतक अमरेंद्र कुमार गोस्वामी उर्फ विद्यानंद गिरी की शादी कोनाई मठिया थाना लखौरा के मनसा गिरी की पुत्री प्रियंका के साथ हुई थी, लेकिन अमरेंद्र को कहां मालूम था कि जिस लड़की से उनकी शादी हो रही है वो पहले से ही किसी और की है और उनको मौका मिलते ही नागिन बनकर डस लेगी। मृतक अमरेंद्र अपने घर की इज्जत बचाने के लिए उस आशिक एवं प्रियंका की हर शर्त को मानते रहे। इसी बीच प्रियंका ने पुत्र को जन्म दिया और अमरेंद्र को लगा कि घर की स्थिति समान हो जाएगी और प्रियंका अपने पति को समझा बुझा कर बाहर भेज दिया ताकि अमरेंद्र को रास्ते से हटाने का मौका मिल सके। अमरेंद्र को बाहर ही प्रियंका के आशिक ने जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मकसद में कामयाबी नहीं मिली तो प्रियंका अपने ससुराल वालों के साथ मारपीट और झगड़ा करने लगी, जिसकी शिकायत मां ने अपने बेटे से की और मां के कहने पर अमरेंद्र अपने घर आने का फैसला कर लिया, जिसकी सूचना प्रियंका को पहले से थी। जैसे अमरेंद्र घर आए उन्होंने देखा कि प्रियंका अपने आशिक से वीडियो कॉल पर बात करने लगी और अपने पति को गाली देने लगी। पति के विरोध करने पर प्रियंका ने डाइनिंग टेबल के पाव से अमरेंद्र को तब तक माथे पे मारती रही जब तक वे अमरेंद्र बेहोश होकर धरती पे ना गिरे। पुत्र को पीटते देख अमरेंद्र की मां बचाने पहुंची। अमरेंद्र की मां के साथ भी यही हाल हुआ और वे बेहोश होकर गिर गई। हल्ला होने पर आसपास के लोगों ने अमरेंद्र को मोतिहारी हॉस्पिटल इलाज हेतु भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस बात की सूचना थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार को जैसे ही मिली, थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार अपने सशस्त्र बलों के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रियंका को महिला कांस्टेबल के साथ कस्टडी में ले लिया। मृतक अमरेंद्र का 2.5 साल का पुत्र कभी अपने पापा को खोजता है तो कभी अपनी माँ को चारों तरफ देख देख कर रोता है और ये बोलता है कि मम्मी ने मेरे पापा को जान से मार दिया। मृतक भाई में 3 भाई एवं 5 बहू थी। मृतक अमरेंद्र के घर मातम का माहौल बना हुआ है। खबर चलाए जाने तक प्रियंका के आशिक को पुलिस तलाश कर रही है। नमस्कार, मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारत टीवी। अभी मैं तुरकोलिया प्रखंड अंतर्गत सेमरा बिलवतिया गाँव में उपस्थित हूँ, जहाँ अमरेंद्र कुमार उर्फ विद्यानंद गिरी की निर्ममता से हत्या उनकी पत्नी के द्वारा ही कर दिया गया है। आइए मिलकर जानते हैं जो यहाँ पे उनके घर के सदस्य हैं उनका क्या कहना है, आखिर उनके निर्मम हत्या के पीछे किसका हाथ है, क्या कारण हो सकता है। नमस्कार। कभी सोचा भी नहीं होगा इन्होंने कि इन्हीं की पत्नी इन्हें मौत की घाट उतारेगी। एक और इस ग्राम के वार्ड सदस्य हैं, आइए मिलकर जानते हैं उनका क्या कहना है, इस घटना के बारे में वो क्या बोलना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारत टीवी से। सर, ये किशोर कुमार गिरी जी सर का वार्ड सदस्य हूँ जी सर, और जो भी मैं देखा हूँ जी सर सत्य है जी सर, क्योंकि लड़का उसी दिन बाहर से आया है जी सर, और आके जो भी वो लड़का आया सर, उनका नाम बताइए सर। विद्यानंद गिरी और अमरेंद्र कुमार गोस्वामी जी सर दिन आया जी सर, घर में जब गया तो उसका बीवी चीटिंग कर रही थी मोबाइल से जी सर, और मोबाइल देखने के बाद में क्या किया कि झड़प में मोबाइल गिर गया नीचे जी सर, स्क्रीन उसका टूट गया जी सर। टूटने के बाद में वो एक टेबल था, टेबल का जो गुड़िया निकाल कर उसको सर पर वार कर दी, कर दी कि करते रही सर, करते रही है। जब तो वो गिरे नहीं तब तक करते रहे, गिरा नहीं जी सर, तो वो करते रही। उसके बाद उसकी माँ आई जी सर, एक बच्ची जब सूचना दी तो उसकी माँ आई जी सर, माँ आने के बाद में माँ का भी गला दबा दी और उसको पैर से धक्का मार के उसको भी गिरा दी, गिरा दी जी सर। उसके बाद में ग्रामीण वालों को जी सर चला कि हाँ ये घटना का एग्जाम दे रही है जी सर जी सर जी सर। फिर आप लोग सर क्या किए सर, कैसे किए सर, कुछ बताइए सर। वही किए कि आकर उसको दोनों को छुड़ाए जी सर, तभी हम लोग को उरेब सुरेब बोल रहे थे, गाली गलौज बोल रहे थे जी सर। यहाँ ग्रामीण जनता उपस्थित है, आइए मिलकर जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी सर, इस घटना के विषय में सर बताया जाए सर। सर एक्चुअली क्या है कि उसकी पत्नी जो है प्रियंका देवी जी सर, इतना बिगड़ल है वो जी सर, ये उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था जी सर जी सर, ठीक है जी सर, और जिसके कारण था कि रास्ते का कांटा बन चुका था विद्यानंद की जो अमरेंद्र गिरी है, वो रास्ते का कांटा बन चुका जी सर जी सर, उसको हटाने के लिए अपना पूरा दम लगा दी थी जी सर भाई, प्रेम पूर्वक उसको बाहर से बुलाई, जिस दिन उसको मारा गया उसी दिन बाहर से आया था, षड्यंत्र अंतर्गत उसे बुलाया गया जी सर जी सर, और आते आते रूम में घुसा, ऐसा नहीं है कोई बात हुआ जी सर, सीधा उसको मारना शुरू की जी सर, मोबाइल का बात लगा शुरू हुआ, उसके बाद उसको मारना शुरू, उसका ही मकसद बन गया था इसको हमको रास्ते से हटा लेना है और यहाँ से हट के जाकर दूसरी जगह हमको शादी रचा लेना है। सर आप प्रशासन से कुछ मांग करना चाहते हैं सर? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी लोग हैं जी सर, इस घर को बर्बाद कर दिए, आज एक लड़का मौत के घाट उतर गया जी सर, उस आदमी पर जिससे वो बात करती थी, जो इस परिवार को तोड़ कर खराब कर दिया, उसको कड़ी से कड़ी सजाए दे प्रशासन और उस दोषी करार दे उसको, और उसको जो भी सजाए हो सजाए मिले, और ये भी जो क्रूर हत्या की है इस पर भी उसको विशेष मिले, और इसमें जिसका भी हाथ हो, जिसका भी सौ पर की हो, उसको भी सजाए मिले,
हम लोग यही मांग करेंगे। ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना नाम और परिचय बताइए सर। नाम प्रदीप कुमार गिरी हुआ। मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारती टीवी। अभी आप देख रहे थे आनंद भारती टीवी के स्क्रीन पर प्रियंका अपने पति की निर्मम हत्या कैसे की है, जो ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से बताया। नमस्कार। अरे देव रे देव का हरे, ए रंजनो बहु रंजनो बहु रे, तो हम कनिजरे तोरा बेटी के यार रंजनवा हो, तोहर यार हो। तो ओकर बेटी कहता प्रियंका जे आई रंजनवा तो सबनी के पीठ पट के चल जाई। हनी बोला यार के जे कितना लोग के पीठ पट के जाता हनु। ई बात हम कह ले बनी काय कहि जे ना रंजनवा के धमकी से हमनी के बेटा के हमरा के हमनी के कुछ ना बुझा तो हमर जवान हो सन हमरा बेटा के मुआ दलक पीठ पाट के कोई ना रहे पाछे आनी से तो छोड़ौनी तो तीन पटकन हम रखी आ दो बेर के नटी दबा दलक। बाप रे बाप, हमर बबुआ चल गईल हमरा बबुआ के ले गए दादा और रंजन पाए के हमरा बबुआ के ले गए। हम ना जानी जे हमरा रंजन पाए के हमर बबुआ चल जाइए दादा। हमर बबुआ तब ना कतना हमरा बबुआ छटपटा रहा पानी आला पानी आना दे दे करे रे बबुआ के लिए बोला जे हमको पानी पिला दे। पानी पिला रे गोड़ावा में तेला अलगाई हमरा भाई को जैसे कर दिया है मार बबुआ। दयाकांत गिरी आनंद भारती टीवी से। सर ये जो पड़े हुए हैं आपके जो पड़ोसी, इनका मृत्यु कैसे हुआ, कौन मारा सर? जी इनका पत्नी मारा। हम जब हम बैठ के द्वार पर अपना मोबाइल में क्रिकेट देख रहे थे जी सर, उस समय एक बच्चा गया इनके घर में जी सर। घर में गया तो देखा कि इसका पत्नी इसको मार के गिराया हुआ था जी सर। गिराया हुआ तो बच्चा रोते हुए आया द्वार पर बैठ के थरथरा के बैठ गई जी सर। बैठ के बोला कि देखिए अंकल ऐसे ऐसे बात है, उसका पत्नी मार के उसको गिरा दिया है, मुआ दिया है। तो हम वहाँ से अपने द्वार पर से दौड़ के गए अंदर जी सर। अंदर गए तो देखे कि ये दरवाजे के सामने अंदर गेट के सामने गिराया हुआ था, गिरा के इसके माँ को मार रही थी, माँ को भी मार रही थी, माँ को मार रही जी सर। जब मैं अंदर गया तो हम कुछ दूर के उससे कुछ दूर के अलग में खड़े थे, कुछ दूर हट के। जब हट के खड़े थे वो क्या कि इसके माँ बोलने लगी कि हमारे बच्चे को मार के मुँह दी, मार के मुँह दी। उसके बाद में क्या गया, हमसे भी नहीं डरी, हमसे नहीं डरी, उसके माँ के ऊपर जब पैर लात चलाई तो मैं उसके ऊपर डटता जी सर। हटने के बाद वो कुछ दूर पीछे हट के हमको क्या बोली, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप घर से निकलिए हमारे। आखिर सर प्रियंका के किसी और के साथ साठगांठ था, इसका पुष्टि आप करते हैं? आखिर विवाद का कारण क्या था सर, कुछ बताइए सर। वो तो दूसरे आदमी से कुछ आदमी से बात कर रही थी, बात कर रही थी सर। वो दोनों आदमी पति पत्नी को मालूम था जी सर। वो लड़का भी इसको बोल रहा था, वो लड़की उससे बात कर रही थी और लड़का इसको बता रहा था फोन पर। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, अपना नाम और परिचय बता दीजिए सर। कुमार गिरी। देखिए कितना दुखद घड़ी है, जिस पति को ये उम्मीद भी नहीं होगा कि जिस पत्नी को मैं इतना। R9 भारत के लिए दयाकांत गिरी की रिपोर्ट, तुरकोलिया से। बेतिया मझोलिया प्रखंड के अंतर्गत मोइद्दीपुर पंचायत के मजदूरों को मनरेगा योजना के अंतर्गत काम मिलने से मजदूर अवधेश कुमार, बिंदेश्वरी शाह, अवधलाल शाह, कुमार सचिन, रामेश्वर पासवान, बद्री शाह आदि का कहना था, मुखिया आशा देवी द्वारा महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत COVID-19 की इस महामारी में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर एक बहुत अच्छा काम किया है। अच्छे से हो रहा है, मजदूरी मैंने पंचायत द्वारा मिल जा रही है, मैंने अच्छा चीज है ना, बेरोजगार नहीं ना है ना आप लोग, मैंने पंचायत से मुखिया जी द्वारा काम दिया जा रहा है। आपका नाम, आपको पंचायत से मिल रहा है, कमा रहा है मनरेगा से, आप लोग कमा रहे हैं। आपका नाम सुरेंद्र सर। नहीं कोरोना बंदी के बाद आपको काम मिला है तो इसके खुशी है कि हमको रोजगार मिला है। R9 भारत के लिए जयकिशोर शर्मा की रिपोर्ट, बेतिया से।